नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर हिमाचल में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नदौन थाना के SHO सहित 3 कर्मचारी सस्पेंड, SP को नशे की हालत में मिले थे तीनों। पद्मश्री करतार सिंह सोंखले की कलाकृतियों ने बना दिया दीवाना। रास्ता निर्माण कार्य पूरा न होने पर गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। ऊना में भारतीय मजदूर संघ का हल्ला बोल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह क्षेत्र नदौन के नदौन थाना के 3 कर्मचारी नशे की हालत में मिले हैं। रात के समय पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में SHO सहित 3 कर्मचारी नशे में धुत पाए गए। तीनों कर्मचारियों का मेडिकल करवाने के बाद नशे की पुष्टि होने पर सस्पेंड कर विभागीय जांच बिठा दी गई है। सस्पेंड किए गए तीनों पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया गया है। SP हमीरपुर आकृति शर्मा का कहना है कि तीनों पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान तीनों नशे में प्रतीत हुए थे, जिसके बाद उनका मेडिकल करवाया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में विभागीय जांच बिठा दी गई है और पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया गया है। संस्कृति सदन मंडी में आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय हिमाचल उत्सव में प्रदेश भर के कलाकार अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने पहुँचे हैं। हमीरपुर जिला के नोहंगी गांव निवासी पद्मश्री करतार सिंह सोंखले की कलाकृतियां इन दिनों मंडी में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। संस्कृति सदन में चल रहे इस उत्सव में करतार सोंखले की कलाकृतियां लोगों को एकाएक ही अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। करतार सिंह सोंखले ने बताया कि उन्हें बचपन से ही ऐसी कलाकृतियां बनाने का शौक था, जो आज उन्हें इस मुकाम तक ले आया है। इस अद्भुत कला के लिए उन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। करतार सोंखले चाहते हैं कि प्रदेश के अधिक से अधिक युवा उनसे इस कारीगरी को सीखें और इसे एक स्वरोजगार के रूप में अपनाएं। ये युवा जो हैं इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अगर वो इसको सीख ले, शौक के तौर पे सीख ले, चाहे जॉब कोई और कर रहा है तो, लेकिन उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और एक मतलब रोजगार का साधन भी इसको अपना सकते हैं। जैसे सोच लो, मान लो कि आपके एक टीम वर्क बन जाता, टीम हो जाती है, आप इसको जितने हाई लेवल पे बनवा के टूरिज्म के साथ जोड़ के, जैसे यहाँ हमने स्टॉल लगाए हैं, जैसे होटल है हमारे हिमाचल के, इतने बड़े बड़े होटल हैं, इनमें ऐसे काउंटर बना दिए जाए और वहाँ ये सारा हमारा जो आर्ट वर्क है इसको वहाँ पे डिस्प्ले किया जाए, तो टूरिस्ट जो बाहर से आता है वो इसीलिए हिमाचल में आता है कि कुछ ना कुछ वो यहाँ से खरीदेगा, या कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ पर नहीं मिलती, तो आप मतलब इसमें कितना आप मांगोगे, इसमें बार्गेनिंग कोई नहीं होती है, और एक एक गाय काटेगा तो 10 और आएंगे उस चीज को लेने के लिए, ये इसमें ज्यादा बेनिफिट है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की गृह क्षेत्र नदौन के नदौन थाना के 3 कर्मचारी नशे की हालत में मिले हैं। रात के समय पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में SHO सहित 3 कर्मचारी नशे में धुत पाए गए। तीनों कर्मचारियों का मेडिकल करवाने के बाद नशे की पुष्टि होने पर सस्पेंड कर विभागीय जांच बिठा दी गई है। सस्पेंड किए गए तीनों पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया गया है। SP हमीरपुर आकृति शर्मा का कहना है कि तीनों पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान तीनों नशे में प्रतीत हुए थे, जिसके बाद उनका मेडिकल करवाया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में विभागीय जांच बिठा दी गई है और पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया गया है। भारतीय मजदूर संघ ने बुधवार को ऊना जिला मुख्यालय के MC पार्क में जोरदार हल्ला बोल करते हुए मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। संघ के पूर्व राष्ट्र सह संगठन मंत्री राकेश शर्मा और जिला अध्यक्ष हरि कृष्ण सैनी की अगुवाई में जुटे कार्यकर्ताओं ने सरकार को अपनी मांगों के संबंध में आगाह किया, जिसके बाद DC कार्यालय तक रोष रैली निकालते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन पत्र भेजा। भारतीय मजदूर संघ ने सभी को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने, ठेकेदारी प्रथा को बंद करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय श्रम नीति का निर्माण करने और न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करते हुए सम्मानजनक वेतन प्रदान करने की मांग उठाई है। मानदेय देती है और सन 2018-19 में केंद्र सरकार की तरफ से हमें 2000 रुपया किया गया था। पहले 1000 देते थे, फिर 2000 रुपया किया गया था, बट उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से हमारे मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है अभी तक। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि
जो भी न्यूनतम वेतन दिया जाए या जीविका मजदूरी तय करें हमारे लिए भी, और जो सामाजिक सुरक्षा है वो हर किसी का अधिकार है, इसीलिए आशाओं को भी ये मिलना चाहिए। और जो ये आर्थिक नीति है ये एक मतलब राष्ट्रीय आर्थिक नीति बननी चाहिए, सबके लिए एक जैसी नीति होनी चाहिए जिसमें कि सभी ये मजदूर हैं जो आ सकें, और ये ठेका प्रथा जो है वो बंद होनी चाहिए। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।